पावर 227 की बाई है, 207 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 6 मंथ्स हो गए। और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है, और कितना रुकोगे आप, क्या सोच के बैठे हो? 3-4 ईयर्स। परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक टाइम होराइजन। और उसमें इन्वेस्ट करूं अभी की अभी जितने पे है उतने पे ही छोड़ देना चाहिए, मतलब और उसमें लगा सकते हैं पैसे? रचना मैम, एक तो 205 क्वांटिटी ऑलरेडी है 227 के भाव पे, क्या सही लिया है लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक? और आपको ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो इन लेवल्स पे और खरीदारी कर डालूं क्या? कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या? पहली बात तो ये कि इन्होंने जिस लेवल पे लिया है बहुत सही लेवल पे लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे इनकी एंट्री हुई है और इसीलिए वो वहां से इन द मनी इतना अच्छी तरह से आ गए हैं। दूसरी बात ये कि अगर इनको अब यहाँ पे एडिशन करना है तो कर सकते हैं और एडिशन के लिए एक अच्छा लेवल जो नजर आ रहा है वो करीब करीब 240 के आसपास का आ रहा है, 240 से 250 के बीच में अगर कहीं पे इनको एंट्री मिले आने वाले टाइम में तो उस टाइम पे एडिशन करना वुड बी अ वाइजर थिंग। और 250 के आसपास भी मिलता है तो भी इट्स अ गुड थिंग और कंटिन्यू करना चाहिए पोजीशन में। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उनको एक बार ही बना लेना चाहिए 250 के नीचे ही और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। और अपसाइड पे ये यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख सकते हैं, आई कैन सी दिस गोइंग अबाउट 300 ओवर अ मीडियम टर्म। परफेक्ट।